हेलो फ्रेंड्स, मैं इम्तियाज और आपका स्वागत है गुड गार्डनिंग पर। आज हम सीखेंगे कैसे हिबिस्कस की कटिंग लगाते हैं। तो हम पहले हिबिस्कस की एक टहनी को काट लेंगे, उसके बाद उसको 4 से 5 इंच तक काट लेंगे। उसके बाद चाकू से हम उस टहनी को 40 डिग्री एंगल से जिस तरफ मैं माने गाड़ूंगा उस तरफ 40 डिग्री के एंगल से काट दूंगा। उसके बाद हम रूटिंग हार्मोन हनी या फास्ट रूस्ट कुछ भी ले सकते हैं, और अगर ये सब नहीं लेंगे तो भी चलेगा। तो मैं हनी लेता हूँ। हम 40 डिग्री एंगल्स की कटिंग को पहले हनी पर डुबाएंगे, उसके बाद हम प्लांट्स जहाँ पर लगाएंगे वहाँ पहले से होल किया होगा, मैंने आगे से कर रखा है, आप लोग कर देंगे। ठीक से लगाकर हम इसको अंदर डाल देंगे ऐसे, और उसके बाद इसको ठीक से दबा देंगे। मेरे पास 4 टहनियाँ है, सबको हम गाड़ देंगे एक एक करके। अब देख रहे हैं इसको ऐसे, इसको ठीक से नहीं लग रहा है, इसको ऐसे और इसको को ऐसे ठीक से लगा देंगे हम एकदम ठीक से। ये है हमारे हिबिस्कस। अब जो करना है वो है हम इस पर पानी डालेंगे, इस पर पानी हिबिस्कस के प्लांट को ज़्यादा नहीं देता है, फिर हम पहली बार लगा रहे हैं कटिंग, पहली बार ज़्यादा पानी देंगे। हम पानी से भर दिया है पूरे टॉप को, और इसके बाद हम इसको एक कोई अच्छे जगह पर रख देंगे, कोई अच्छे जगह पर। इसके बाद 25 से 1 महीने के अंदर नया रूट्स और नया टहनियाँ आएंगे इससे, उसके बाद फूल खिलेंगे। तो हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे कि मेरी टहनियाँ रूट्स का कितना दिया है और फूल कैसे खिलेंगे। सो गुड बाइट्स फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो पर।